ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوری ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله میں आपके ध्यान को थोड़ी देर के लिए आकर्षित करना चाहूंगा ताकि मैं आपको कुछ ऐसा दे सकूं जो आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके नगर के लिए आपके प्रदेश के लिए और हम सबके देश के लिए शांति सद्भावना और मानवता के गुणों को विकसित करता रहे ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप किया जाए जन सेवा का सही दिशा अपनाकर अपनी दशा बदली जाए आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन सुभान अल्लाह प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड आई विल नॉट गिव ए लॉन्ग एंड बिग लेक्चर शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे मस्ट बी अडॉप्टेड बाय मी थोड़ी देर के लिए आप अपनी क्वालिटी पे गौर कीजिए कि आप क्या करते रहते हो तीन चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं एक है सुंदरता ब्यूटी आजकल कई फैसले लोग ब्यूटी देख के करते हैं और ब्यूटी देख करके फैसला कर लिया एक महीने बाद रोना शुरू किया क्यों रोते हैं निकाह तो मैंने ब्यूटी देख के किया था मगर अब जिंदगी तो ब्यूटी से नहीं चलेगी क्वालिटी चाहिए क्या कहने ब्यूटी देखा क्वालिटी नहीं देखा तो इसका मतलब यह है कि ब्यूटी की उम्र बड़ी कम होती है क्या कहने वाह वाह उससे ज्यादा उम्र होती है क्वालिटी की बहुत अच्छे लेकिन क्वालिटी भी खत्म हो जाती है कैसे खत्म होती है जैसे एक आदमी दोनों आंखों से देखता है ये उसकी क्वालिटी है एक एक्सीडेंट में दोनों दुकान बंद हो गई एक्सीडेंट में दुकान बंद हो गई क्वालिटी खत्म हो गई बोलता है खूब बोलता है लेकिन जब 32 दांत बाहर हो गए न मुंह में दांत है न पेट में आंत है तो सिर्फ मुंह से हवा निकल रही है वो तकरीर करने की भी जो क्वालिटी थी खत्म हो गई तो क्वालिटी भी खत्म होती है लेकिन ब्यूटी और क्वालिटी में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है जामनगर का कोई खूबसूरत लड़का उतना सुंदर कोई लड़का ना हो तो सुंदरता के आधार पर उसको कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा उसको एसएसपी नहीं बनाएंगे
उसको एसपीसीटी नहीं बनाएंगे। एसपीसीटी बनने के लिए, एसएसपी बनने के लिए आईपीएस की क्वालिटी चाहिए, डीएम बनने के लिए आईएएस की क्वालिटी चाहिए। बहुत अच्छे। अब यह नहीं कि खूबसूरत है तो उसको कलेक्टर बना लो। मालूम हुआ कि पूरा जामनगर स्टूडियो बन गया क्योंकि खूबसूरती लेके बैठा है। कोई खूबसूरत पूरे भारत में मिस्टर इंडिया हो और वो सुंदरता की प्रतियोगिता में प्रथम आया हो तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। क्वालिटी चाहिए। क्या कहेंगे? लेकिन क्वालिटी भी बदल जाती है। क्वालिटी है कि एक सहाबी का बेटा है, वाह, लेकिन बदल ऐसी गई कि इमाम हुसैन का कातिल बन गया। क्वालिटी है कि उसने सहाबी को देखा है, लेकिन फिर जो बदल गई तो हजरत अली का मर्डर कर दिया। क्वालिटी बदलती है। तीसरी चीज है रियलिटी। रियलिटी कभी नहीं बदलती। ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, सुंदरता, विशेषता और वास्तविकता। मैं चाहता हूं आज हमारी बात वास्तविकता पर हो। सुभान अल्लाह। आज हमारी बात रियलिटी पे हो ताकि जो नॉन रियल है वो साइड में लग जाए और जो रियल है वो हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए। रियलिटी यह है कि हम हर चीज सही नहीं चुनते। हम चुनने में, सिलेक्शन में कोई चीज बाहर से घर में ले जाने में गलती कर जाते हैं। क्या देखा? खूबसूरती देखी। हम सेब लेने के लिए गए, एप्पल दुकान पे देखा, बड़ा बड़ा खूबसूरत, लाल लाल, कैसे लगता था कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही मीठा है, बहुत शानदार है। उसका बाहरी देख के समझते चलना, उसका बाहरी रूप देख के हम आकर्षित हुए और उसको घर ले आए। वो तो जब हमारी बीवी ने चाकू से उसको काटा तब अंदर से जंतु निकले, पता चला यार हम चूक गए। हम बाहर ही देखकर 40 दिन के लिए चले गए, अपना समझा। लेकिन जब अहमद रजा के चाकू से काटा तो अंदर के कीड़े नजर आए। वाह वाह वाह, बात को नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जश्न गौसे आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फतावे का नाम है हिसामुल हरमैन शरीफ। जब हरमैन की तलवार से, हिसामुल हरमैन की धार से जब उसे काट के अंदर देखा तो बदअकीदगी के जंतु नजर आए, चूक गए। एक लड़का गया दुकान पर, ट्रांजिस्टर लेके आए, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही आकर्षण, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अल्ट्रा मॉडर्नेट लेके घर आया। 15 दिन के बाद उसकी बोली बंद हो गई। पलट के देखा तो मेड इन चाइना। चुनने में गलती। कभी कभी हमारा चुना हुआ बिल्कुल ठीक होता, लेकिन कभी कभी हमने इमाम चुना, 40 दिन उसके पीछे नमाज भी पढ़ा, 41वें दिन पता चला ये कुछ और माल है। ये सुन्नियों में इस्माइल होके कहां से आ गया? नौकर चुनने में, जॉब देने में हमसे गलती हो जाती है, टीचर चुनने में गलती हो जाती है, कभी कभी पीर चुनने में भी गलती हो जाती है, कभी कभी पीर साहब से मुरीद बनाने में गलती हो जाती है, उल्टे सीधे को बना लिया, चूक होती है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज अ कॉमन। तो दुनिया की किसी चीज को चुनने में हमसे गलती हो जाए हम सुधार लेंगे। गलत सेब आया दूसरा सेब ले लेंगे, गलत रेडियो आया दूसरा रेडियो ले लेंगे, गलत बर्तन आया दूसरा बर्तन ले लेंगे,
गलत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए।